Good morning, friends. Welcome to my channel, Expertise in Biology. Today we know that कि आज हम कुछ CTET से regarding कुछ important topics को आपके साथ discuss करूँगी जो बहुत important है आपके जो CTET जितने भी बच्चे हैं जिनको आप CTET का paper देने वाले हैं उनके लिए बहुत important we can say that एक जानकारी है एक तरह की क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप क्या-क्या पढ़ें और कितना पढ़ें क्योंकि आप child development pedagogy जो है ये बहुत important topics है paper first के लिए paper second के लिए भी तो मैं उससे regarding कुछ आपके साथ कुछ information या कुछ topic या कुछ content share करना चाहती हूँ जो आपको जरूर पढ़के जाना चाहिए उसमें से बहुत questions बनते हैं child development pedagogy जो हमारा 30 marks का questions एक होता है ये जो पार्ट आता है हमारे एग्जाम्स में उसमें से थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी हमारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है वो जो चीज़ें आप नोट कर लीजिए प्लीज़ और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी में से जो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी थी बहुत इंपॉर्टेंट है नोट कर लीजिए जो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी थी उसकी बुक वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेम्स ऑफ माइंड और जो उसकी डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंसी दी थी उसने जो विजुअल स्पेशल है लॉजिकल मैथमेटिकल है लिंग्विस्टिक है जो उसकी डिफरेंट इंटेलिजेंसी थी उन इंटेलिजेंसी में से आपको एग्जांपल्स दे देंगे और आपको पूछेंगे फिर एग्जाम्स में ये किस टाइप की इंटेलिजेंसी के अंदर आते हैं तो इसलिए आप जितनी भी उसकी 8 इंटेलिजेंसी थी आप ज़रूर पढ़ के जाएँ उसके बाद थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग की ट्राइक थ्योरी इतना कोई इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछते लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ा सा पढ़ के ज़रूर जाएँ जीन पाइजर्ट की जो थ्योरी है कोग्निटिव डेवलपमेंट पे जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से भी जो डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी उसे चाइल्ड ये आता हमारा थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर अब इसके बाद पहले था थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट गार्डनर की थ्योरी थी एंड एक तो इंटेलिजेंसी थ्योरी थी एंड जो स्पीयरमैन की थ्योरी थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पूछ लिया जाता है कि ये कि जो हमारी थ्योरी थी बाई फैक्टर थ्योरी थी वो किसने दी थी और हमारी मल्टीपल जो इंटेलिजेंसी थ्योरी थी वो किसने दी थी इस तरीके से भी क्वेश्चंस एग्जाम से पूछ सकते हैं तो जितना मैंने आपको इसमें बताया उतना जरूर उसके बाद आता है हमारा थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में हम जो जीन पाइजेट ने जो हमारी थ्योरीज दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर जैसे इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस उसने बताए थे दैट इज अ सेंसरी मोटर स्केल जो हमारे 0 से 2 साल तक के बच्चों के लिए था एंड दैट इज अ प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड ऑपरेशन कॉन्क्रीट स्टेज और लास्ट में फॉर्मल स्टेज इसमें से आपको एज भी पूछ सकता है कि कितने से कितने एज तक के बीच में ये आता है एंड सेकेंड थिंग आपको एग्जाम्पल्स दे देगा वो कि इस एज के बच्चों में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये क्या वो एक्टिविटीज़ करता है वो सारी एक्टिविटीज़ आप याद करके जाएँ वो सारी एक्टिविटीज़ आप याद करके जाएं और कौन से फेज के अंदर कौन सी एक्टिविटी या क्या उसके चेंजेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूछ लिया जाता है आपको एग्जांपल्स दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन से फेज स्टेजेस के अंदर आता है प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर आता है कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर आता है या सेंसरी स्टेज के अंदर आता है अब उसके बाद है लर्निंग थ्योरीज लर्निंग थ्योरी जो है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग थ्योरीज हमारी बेसिस होती हैं बिहेवियरिज्म में कॉग्निटिविज्म में कंस्ट्रक्टिविज्म में इन्वायरमेंटल उसमें सोशल बिहेवियर के ऊपर अपीयर के ऊपर ये सब इन चीज़ों के ऊपर हमारी जो लर्निंग थ्योरीज है वो बेस्ड होती हैं तो वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इंटेलिजेंसी थ्योरी सिग्मॉइड थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंसी थ्योरी में एक गार्डनर की एंड सिग्मॉइड फ्रूड की जो थ्योरी सिग्मॉइड फ्रूड की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गार्डनर से बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कोल्सबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से भी कई क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं उसमें से आपको एग्जाम्पल्स दे देंगे और आप पूछ लिया जाएगा कि ऐसी सिचुएशन में ऐसा क्या होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर्स पुट करता है एग्जाम से कोल्सबर्ग द मोरल डेवलपमेंट और जो जितनी भी थ्योरीज हैं वो आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ कि ये थ्योरी किसने दी थी ज़्यादा फोकस जो आपको देना है वो इंटेलिजेंसी थ्योरी में वो गार्डनर की जितने भी थ्योरीज थे उनको लर्न कर लीजिए और पाइजेट का जो प्री ऑपरेशन जितने भी स्टेजेस थे कॉन्क्रीट डेवलपमेंट जो चाइल्ड डेवलपमेंट पे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सबको डिटेल में पढ़ के जाएँ लेकिन आपको ये साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है कि थ्रोनडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ लर्निंग्स या हमारे सिग्मॉइड फ्रूड की कौन सी थ्योरी किस पे बेस्ड थी उसकी थ्योरी विकॉसी का क्या था मानना कि चाइल्ड का डेवलपमेंट किस पे बेस्ड होता है ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अब असेसमेंट एंड इवोल्यूशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू असेसमेंट बेसिकली मीन्स इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द डेटा असेसमेंट एक प्रोसेस होता है कलेक्टिंग द डेटा फॉर द फ्यूचर उसको टेस्टिंग ना उसको डेटा कलेक्ट करना और फिर उसमें से कुछ सुधार करना मतलब असेसमेंट पे हम सुधार कर सकते हैं कि जैसे हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं कि क्या कितना
बच्चा किस लेवल में है अभी, किस कितने लेवल में है, उसमें कमियां है या कुछ, कितनी हमें उसमें चेंज करने हैं उसकी कमियों में. तो असेसमेंट क्या होता है कि हम में सुधार किया जा सकता है. इट्स अ लेवल ऑफ इट्स अ कलेक्टिंग डेटा एंड टू मेक फ्रॉम बाय एंड फ्रॉम कलेक्टिंग द डेटा वी कैन मेक इम्प्रूवमेंट थ्रू असेसमेंट. बट इवेल्युएशन जो होता है उसमें क्या होता है कि हम पूरा उसका आउटपुट होता है वो, कि जो उसके मार्क्स होते हैं उसका एक बोलते हैं जजमेंट होता है, हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस. तो इवेल्युएशन इज अ जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस. अब क्वेश्चन सिस्टमिक किस टाइप के पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इवेल्युएशन समेटिव है या फॉर्मेटिव है, या हमारा जो असेसमेंट है समेटिव या फॉर्मेटिव है, ये प्रोडक्ट है या किस बेसिस प्रोडक्ट बेस होता है या कंटेंट बेस होता है. इस तरीके से क्वेश्चंस में बहुत पूछे जाते हैं. या कोई एग्जांपल्स दे देंगे तो बोलेंगे कि इवैल्यूएशंस है या ये हमारा इवैल्यूएशन ये असेसमेंट है. इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, कौन सा है. जैसे हमारा जो असेसमेंट होता है ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, क्योंकि उसमें प्रोसेस हो रहा है अभी, कि हमें हमने किसी के डेटा कलेक्ट किया किसी बच्चे का, उसके बाद हमें पता है कि हम उसके डेटा थ्रू ये बता सकते हैं कि इस बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है, हमें उसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी चाहिए उसमें सुधार करने के लिए. लेकिन जो हमारा इवैल्यूएशन होता है एक तरीके का एग्जाम्स होता है, उसका पेपर होता है, फिर उसमें उसको जजमेंट करते हैं, सीधा हम उसका जजमेंट करते हैं, उसमें सुधार नहीं कर सकते. तो इस रिफ्लेक्टिव है ये पर्सपेक्टिव, इस तरीके से उसमें क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं पेपर में. एंड कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी में कि क्या साइकोलॉजी का कंसेप्ट था, अलग अलग जो लोगों ने साइंटिस्ट के जो थ्योरीज थी वो क्या क्या थी, कि साइकोलॉजी में क्या क्या होती हैं, कि जैसे साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड्स एंड बिहेवियर. तो अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग सोच थी. अब चाइल्ड डेवलपमेंट 15 क्वेश्चंस जो बनते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से बनते हैं. 15 क्वेश्चंस फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट. फर्स्ट हमें क्या पढ़ना है चाइल्ड डेवलपमेंट में, जो मैंने बताया था जीन पायजेट की, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. आइडियोलॉजी ऑफ एजुकेशन थिंकर, इसमें आपको जो थिंकर्स की क्या थी, अलग अलग थिंकर्स की क्या सोच थी, आइडियोलॉजी क्या क्या सोच थी उनकी डेवलपमेंट के ऊपर, कि कैसे एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है. किसी की सोच थी कि चाइल्ड का डेवलपमेंट सोसाइटी पे बेस करता है, किसी का डेवलपमेंट था कि उसकी बिहेवियर किस की वो जेनेटिक उसमें बेस करता है या इन्वायरमेंटल उसमें बेस करता है. तो ये जितनी भी आइडियोलॉजी थी डिफरेंट थिंकर्स की, वो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर पढ़ के जानी है. ये चीज़ें आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. कैंडिडेट्स मीन्स टू स्टडी एजुकेशनल साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली, उसको पढ़ के जाना है कि उसका एजुकेशनल साइकोलॉजी उसकी और फिलोसफी टुवर्ड्स द मतलब वी कैन से दैट की डेवलपमेंट के ऊपर. इट एनालिसिस द कैंडिडेट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरी, उसको एनालाइज करना है कि क्या उसका कंसेप्चुअल उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है या उसकी मास्टर मतलब क्या क्या अलग अलग साइंटिस्ट की क्या क्या व्यूज थे मतलब टुवर्ड्स इसके ऊपर आइडियोलॉजी के ऊपर. इनकल्सिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, जो इनकल्सिव एजुकेशन और जो स्पेशल नीड के चिल्ड्रंस हैं उस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रंस के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस मतलब काफ़ी क्वेश्चंस ये पुट करते हैं एग्जामिनर एग्जाम्स के ऊपर. तो इनकल्सिव एजुकेशन क्या होती हैं एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस विद अ स्पेशल नीड, हम कैसे टीचर बिहेव करेगी, क्वेश्चंस इस तरह से पुट अप होते हैं कि कैसे चिल्ड्रन बिहेव करेगी अगर बच्चा थोड़ा कम सुनने वाला है या थोड़ा मेंटली रिटार्डेड है, तो किस तरीके से टीचर का बिहेवियर उस टाइम पे होगा. तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे आंसर टिक करने के लिए. तो इस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप होंगे स्पेशल चिल्ड्रंस के ऊपर और इनकल्सिव एजुकेशन. बट टीचर एबिलिटी टू कैटर द नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, टीचर कैसा व्यवहार रखती है कि नीड के हिसाब से चिल्ड्रंस की, टीचर का हर क्योंकि हर एक स्टूडेंट का बिहेवियर अलग अलग होता है क्लास में, तो कैसे वो डील करेगी जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रंस है उनके साथ, वो किस तरीके का व्यवहार रखेगी, कैसे वो डील करेगी उनके साथ. तो ये स्टडीज़ बहुत इन चीज़ों के ऊपर बहुत आपको फोकस करना है. इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा. स्पेशल एफर्ट्स मेड फॉर द केयर्स, क्या वो स्पेशल एफर्ट्स करेगी, क्या क्या वो चीज़ें अपनाएगी कि उनको मतलब फॉर द स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि मतलब कि हम बिल्कुल ही हमारे लिए मतलब उनको थोड़ा सा मतलब बैकलेस फील ना हो या उनको मतलब उनके अंदर कुछ गलत भावना ना आए. तो क्या क्या वो स्टेप्स लेगी एक टीचर फॉर द स्पेशल जो चिल्ड्रंस है, वो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको फिर वो स्टेप्स यूज़ करने पड़ेंगे, कौन से टीचर स्टेप पे कौन सा स्टेप यूज़ करेंगे. तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट. टीचर्स बिहेवियर विद टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप्स, टीचर का बिहेवियर कैसा होगा स्टूडेंट के साथ, अगर बाई चांस आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि अगर स्टूडेंट ऐसा करता है तो क्या अपनाना चाहिए टीचर को, अगर कोई बच्चा बात नहीं सुन रहा है, कोई कहना नहीं मान रहा है, तो टीचर कौन सी ऐसी चीज़ अपनाएगी, या अपने टीचर और कौन अगर बच्चों को एक्टिव रखना है तो टीचर कौन से स्टेप्स अपनाएगी, बच्चों को अगर
बोर होने से बचाना है तो कौन से स्टेप वो अपनाएगी. तो ऑल दी स्टेप्स हमसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दे दिए जाएंगे. लर्निंग प्लस पेडलॉजी के ऊपर भी 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है. 10 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन आते हैं. लर्निंग एंड पेडलॉजी के ऊपर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. पेडलॉजी ऑफ चाइल्ड बिहेवियर, चाइल्ड बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या क्या चाइल्ड बिहेवियर, वो कैसा बिहेव करेगा डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में. अंडरस्टैंडिंग हम क्लास डायनामिक्स एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, हमें क्लास का डायनामिक्स कैसा, उसके हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे बना सकते हैं हम क्लास में, क्या क्या हम उसमें से स्टेप्स यूज कर सकते हैं, टीचर क्या क्या कर सकती है अपने स्टूडेंट अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाने के, स्कूल के इन्वायरमेंट को या क्लास के इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए. पॉसिबल क्लासरूम सिचुएशंस एंड फ्रेम इनटू क्वेश्चंस कैंडिडेट्स टू चूज देयर सेक्शन. पॉसिबल क्लासरूम सिचुएशंस मतलब अलग अलग क्लासरूम सिचुएशंस में किस तरीके से बना सकते हैं, मतलब क्या क्या अलग अलग क्लासरूम सिचुएशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं कि इस सिचुएशंस में ऐसी सिचुएशन है क्लास की तो किस तरीके हम कौन से स्टेप एक टीचर ले सकती है, बहुत ज़्यादा मतलब हल्ला कर रही है क्लास, डिसिप्लिन में नहीं है तो कौन कौन से स्टेप ले सकती है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और चाइल्ड लर्निंग एंड पेडलॉजी में से 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं. एंड बेस और लास्ट में जो आप अगर अपने को और ज़्यादा मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं कि हम और क्या चीज़ें पढ़ें, तो एक तो आप मॉक टेस्ट दें. जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर हैं वो ज़रूर सॉल्व करें, ज़रूर सॉल्व करें. जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थिंकर्स की क्या आइडियोलॉजी थी, थिंकर्स के क्या व्यूज़ थे टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर चिल्ड्रंस के बिहेवियर के ऊपर, या वो कैसे उनके अलग अलग जो आइडियोलॉजी थी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अलग अलग जो साइंटिस्ट थे जैसे विकॉट्स कोल्सबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गार्डनर की मल्टीपल थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेल में पढ़ने लायक चीज़ें हैं ये. जीन पाइजेट का जो कोनी डेवलपमेंट ऑल द स्टेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो हमारे जो विकॉट सी ने डेवलपमेंट किस पे बेस्ड था वो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले स्टेप्स कौन सा होता है, फिर कौन सा स्टॉप होता है, डेवलपमेंट का किस टाइप के जो स्टेप्स होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, एंड ये थ्योरी किसने दी थी वो ये पूछ लिए जाते हैं. तो ऑल दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी. तो सो माई फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं और आपके लिए सीटेट के जो बच्चे हैं वो निराश ना हो, मैं और उनके लिए डेली डेली कोई भी पर्टिकुलर जो भी थ्योरीज हैं एक थ्योरी डेली लेके आऊँगी ताकि आपके लिए एग्जाम्स के पॉइंट के वजह रिविजन भी हो जाए और आपको जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए. तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑल्सो. थैंक यू.